रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। सावन के महीने में हर साल की भांति इस बार भी शिव मंदिर परिसर हमीरपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर खीर बनाई गई थी, जिसे लोगों ने खाकर वाहवाही की। भंडारे का आयोजन शिवालय लंगर कमेटी के सहयोग से किया गया और भंडारा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तक चला। सावन के महीने में हर साल की भांति इस बार भी शिव मंदिर परिसर हमीरपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विशेष तौर पर खीर बनाई गई, जिसे खाकर लोगों ने वाहवाही की। भंडारे का आयोजन शिवालय लंगर कमेटी के सहयोग से किया गया और भंडारा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तक चला। शिवालय लंगर कमेटी एवं जल कल्याण कमेटी हमीरपुर के मुख्य सलाहकार सोमनाथ शर्मा ने बताया कि हर साल सावन के महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस बार भी भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि भंडारे के दौरान स्पेशल खीर भी बनाई गई थी। भंडारा सालाना चलता है, ये हमारा वार्षिक उत्सव होता है, ये हर वर्ष होता है। आज का दिन विशेषकर जनहित के लिए चल रहा है। सुबह 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा। भंडारे में मुख्यतः कौन सा व्यंजन था? विशेष पतरोड़े भी चलते हैं, पत्तों की वजह से इस बार पतरोड़े की कमी रही है। हाँ, हर वर्ष चलता है खीर पतरोड़े, चलता है इस महीने सावन महीने का ये प्रोग्राम चलता है हर वर्ष। सावन की विशेषता ये। और कुछ बोलूँ? ठीक है, कमेटी मिलकर करवाती है। हमारे शिवालय लंगर एवं जन कल्याण समिति का विशेष प्रोग्राम होता है ये। सोमनाथ मुख्य सलाहकार है,